run from it, destiny still arrives. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. So guys, as we know, कि Moon Knight कितना ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है। हालांकि मार्वल में जो उसका इंट्रोडक्शन है वो तो काफी बाद में हुआ है, बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर Moon Knight उस टाइम होता जिस टाइम थानोस था तो उस टाइम फाइट का रिजल्ट क्या होता। इंटरेस्टिंग राइट। सो यस, आज की वीडियो में हम लोग यही फाइंड आउट करेंगे कि हु विल विन बिटवीन थानोस एंड Moon Knight। सो ये वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, एंड बगल में बेल आइकन भी होगा उसको भी दबा देना ताकि आप हमारे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाए। So, अब लेट्स बिगिन। सो पहले अगर मैं बात करूँ थानोस की, सो क्योंकि थानोस एक इटर्नल है जो कि सैटर्न के मून टाइटन में पैदा हुआ था, एंड यस वो एक म्यूटेंट भी है एंड सब्जेक्ट भी है डेविएंट सिंड्रोम का, जिसके कारण उसकी जो बॉडी है वो हम लोग को पर्पल दिखाई देती है। सो यस, उसकी जो इटर्नल फिजियोलॉजी है यही उसके कुछ फीचर्स में से एक है जो उसको प्रोवाइड करती है इमेंस लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। बट यस, इसके अलावा भी थानोस ने अपनी स्ट्रेंथ को ऑग्यूमेंट किया है बायोनिकल एंड मिस्टिकल एन्चेंटमेंट से, जिसके कारण वो पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, एंड उसकी जो स्ट्रेंथ के लेवल्स हैं वो और भी ज्यादा बूस्ट हो गए थे जब वो डेथ से मिला था। हल्क की तरह ही थानोस भी गेन कर सकता है फिजिकल पावर्स को अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी से, जहाँ पे हल्क को अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए गामा रेडिएशंस का यूज करना पड़ता है, तो वहीं थानोस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को चैनल कर सकता है कॉस्मिक एनर्जी में। थानोस इजिली लिफ्ट कर सकता है 100 टन्स को, जिसके कारण वो सेम कैटेगरी में आ जाता है जस्ट लाइक थॉर एंड द हल्क। एंड सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, थानोस काफी ज्यादा स्किल्ड भी है इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, एंड उसने फाइटिंग स्किल्स टाइटन पे ही सीखे थे। एंड थानोस के पास सिर्फ स्ट्रेंथ के अलावा कॉमिक्स में वेरियस टाइप ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, जिनका यूज वो अपनी बैटल में बहुत बार करता है, जैसे कि वो अपने क्लोन्स को क्रिएट कर सकता है। अब क्योंकि थानोस एक सुपर इंटेलिजेंट बीइंग है एंड वो कॉम्बिनेशन है एक इटर्नल और एक डेविएंट का, तो इसीलिए वो ब्लैक आर्ट्स का यूज करके अपने क्लोन्स को क्रिएट कर सकता है एंड अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकता है। वो मैटर को कंट्रोल कर सकता है एटॉमिक लेवल पे, एंड उसने अपनी इस पावर को कैप्टन मार्वल वॉल्यूम 1 इशू 26 में डिस्प्ले भी किया है। वो टेलीपैथी भी कर सकता है, अपने आसपास के सारे लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। उसके पास साइकिक एबिलिटीज भी हैं, जिसका यूज वो अपनी बैटल में बहुत बार करता है अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट। वो एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है और एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। यस गाइस, वो कॉस्मिक एनर्जी को चैनल कर सकता है और पावरफुल ब्लास्ट को एमिट कर सकता है। इतना ज्यादा बल्कि शरीर होने के बाद भी उसका स्टेमिना, उसकी स्पीड और उसका एंड्योरेंस काफी ज्यादा अच्छा है। उसकी बॉडी फटीक टॉक्सिन्स को जनरेट नहीं करती है, जिसके कारण वो किसी भी बैटल में बहुत इजीली सर्वाइव कर सकता है, दूसरों को कर्ज कर सकता है। उसको पूरी तरीके से खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है। वो अपनी बॉडी को बहुत इजीली रीजनरेट कर सकता है किसी भी टाइप के वुंड से। ये पावर भी उसको उसके फिजियोलॉजी की वजह से मिली थी। बट यस, जो सबसे बड़ा वेपन है थानोस के पास वो है ऑफ कोर्स उसकी इंटेलिजेंस। थानोस एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है, उसने अपनी इंटेलिजेंस से ही बहुत सारे पावरफुल बीइंग्स को डिफीट किया है। एंड यस, मार्वल यूनिवर्स में भी ऐसे बहुत कम बीइंग्स हैं जो कि उसकी इंटेलिजेंस को सरपास कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो हमने बात कर ली थानोस की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो अब अगर मैं बात करूं Moon Knight की, सो मार्क स्पेक्टर, बेटर नोन एज द विजिलेंटी Moon Knight, वो पहले एक मर्सनरी था, बट लेटर ऑन उसको पावर्स मिल गई एक मून गॉड Khonshu के द्वारा, एंड इसी के साथ वो बन गया Moon Knight, जो कि इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करता है रात में। मार्क जो कि Moon Knight को कंट्रोल करता है, उसको एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जैसे कि उसका जो एक अल्टरनेटिव पर्सनालिटी है वो है एक मिलियनेयर स्टीवन ग्रांट का और एक कैब ड्राइवर जेक लोकली का। अगर मैं बात करूं Moon Knight की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो सबसे पहली चीज उसके पास है इनहेंस्ड ब्रेन फंक्शन। जब उसको दोबारा लाइफ दी गई मून गॉड Khonshu के द्वारा, तब जो मार्क का ब्रेन स्ट्रक्चर है वो फंडामेंटली चेंज हो गया, एंड ड्यू टू हिज ब्रेन टू ब्रेन कॉन्टैक्ट मार्क स्टेट करता है कि वो रिबिल्ड हो गया एज अ गॉड्स वेपन। हालांकि मार्क के माइंड में जितने भी चेंजेस हुए हैं उनका फुल एक्सटेंट बता पाना तो अभी भी अननोन है, बट यस, उसको दिखाया गया है कि वो मेंटल रेजिस्टेंट है टू टेलीपैथी अटैक्स। वो माइंड स्केप को भी कंट्रोल कर सकता है, एंड इसके अलावा उसके पास इमोर्टैलिटी है। Moon Knight का एक पैक्ट है Khonshu के साथ, जिसके कारण Khonshu जो कि मून गॉड है, उसने Moon Knight को बहुत सारी एबिलिटीज प्रोवाइड की थी, जिसमें से एक थी इमोर्टैलिटी। अगर मैं एबिलिटीज की बात करूं, तो क्योंकि मार्क एक बॉक्सर, US मरीन मर्सिनरी और एक कॉस्ट्यूम
प्रीज्यूम्ड सुपर हीरो है, तो इसीलिए वो एक एक्सपर्ट इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। उसको वेरियस टेक्निक्स और मार्शल आर्ट टेक्निक्स आती हैं। वो एक ओलंपिक लेवल एथलीट है और स्किल्ड है एक्रोबैट, जिमनास्ट एंड एक एक्सपर्ट कॉम्बैट स्ट्रेटेजिस्ट भी है। अपने US मरीन और मर्सनरी के जॉब के दौरान उसको फ्लाइंग स्किल्स भी आ गए थे, यानी कि वो एक एक्सपर्ट पायलट भी है। उसकी जो ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी है स्पेक्टर, वो एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव है जिसके पास काफी नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की। उसको पूरी तरीके से न्यूयॉर्क सिटी में कहां कहां पे क्या क्या होता है हर चीज की जानकारी है। इसी के साथ वो एक मास्टर मार्क्समैन भी है। वो केपेबल है कि वो ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल्स को बहुत इजीली एम करके फुल एक्यूरेसी के साथ शूट कर सके, और वो एक पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई हुई बुलेट को भी बीच से काट सकता है। तो इससे आपको उसकी एक्यूरेसी और रिएक्शन टाइम को तो पता चल ही रहा होगा। उसके पास पेन रेजिस्टेंस की भी एबिलिटी है, यानी कि उसके अंदर जो पेन टॉलरेंस के स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, एंड यही एबिलिटी उसको बहुत स्ट्रांग बनाती है। वो किसी भी टाइप के वेपन को यूज भी कर सकता है, एंड वो मल्टीलिंगुअल है, यानी कि वो सारी भाषाएं जानता है। बट यस, ये तो हमने बात की उसकी एबिलिटीज की। अगर मैं बात करूँ उसकी फिजिकल केपेबिलिटीज की, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है उसके डिफरेंट पर्सनैलिटीज पे। जैसे कि स्पेक्टर एक नॉर्मल ह्यूमन है जो कि रेगुलर एक्सरसाइजेस करता है, एंड वो प्रेस कर सकता है ट्वाइस हिज बॉडी वेट। एंड इसी के साथ उसके जो दूसरे पर्सनैलिटीज है वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ को कैरी करते हैं। बट गाइस, फिर भी उसकी स्ट्रेंथ उसके गॉड पे भी डिपेंड करती है, बिकॉज अगर उसके गॉड ने मून नाइट को कंट्रोल किया तब तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। सो इससे तो आपको पता चल ही रहा होगा कि मून नाइट कितना ज्यादा पावरफुल है। सो ये तो हमने बात कर ली दोनों ही कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। एंड अब अगर मैं बात करूँ कि कौन जीतेगा इन अ बैटल बिटवीन थानोस एंड मून नाइट, सो गाइस ये फाइट तो काफी इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज ये दोनों ही बींग्स बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर्स को कैरी करते हैं। बट आई थिंक विदाउट द इन्फिनिटी स्टोन्स थानोस डिफीट नहीं कर पाएगा मून नाइट को। हालांकि फाइट तो काफी अच्छी होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे मून नाइट ही विक्टोरियस इमर्ज होगा। बट गाइस, आप लोग क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से थानोस एंड मून नाइट के बीच की बैटल में कौन सा बींग विक्टोरियस इमर्ज होगा और क्यों? आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।